G20 ممالک کا اجلاس جو ہو رہا ہے یہ اجلاس بڑا اہم ہے जो एजेंडा है इट्स क्वाइट बिजी मतलब वो 45 घंटे गुजारेंगे वहां पर इसमें 3 सेशंस वो अटेंड करेंगे ऋषि सुनक जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के वो भी पहुंच रहे हैं और इसके अलावा फ्रेंच प्रेसिडेंट भी पहुंच रहे हैं मैक्रॉन 8 से 10 जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं उनसे पीएम मोदी की मुलाकात होनी है कि बाकी अगर 4 मुल्कों में जा रहे हैं तो पाकिस्तान नहीं आ रहे तो उसके पीछे मेन रीजन एक पाकिस्तान इज आउट ऑफ दिस मीटिंग पाकिस्तान तो इस मीटिंग का हिस्सा नहीं है दुनिया की 20 बड़ी ताकतें जो हैं वो इसमें शरीक होंगी अनफॉर्चुनेटली हम दुनिया की 20 बड़ी ताकतों में शुमार नहीं होते यही वो फॉरेन पॉलिसी है जिस फॉरेन पॉलिसी की सजा हमें निकालने के उसमें मिली क्योंकि ऋषि सुनक वो पहली उनकी ये इस तरीके से मीटिंग होगी तो हम ये देखेंगे कि वहां पर एक बड़ा इवेंट वो फर्स्ट टाइम अटेंड करने जा रहे हैं मैं समझती हूँ कि उनकी एक मीटिंग तो मैं देख रही हूँ कि इंडिया के पीएम मोदी के उनका जो एजेंडा है इट्स क्वाइट बिजी मतलब वो 45 घंटे गुजारेंगे वहां पर इसमें 3 सेशंस वो अटेंड करेंगे इट इज वेरी इंटरेस्टिंग द सेशंस ही इज अटेंडिंग आई डोंट थिंक आर द सेम सेशंस जो बाइडेन अटेंड कर रहे हैं एक्सेप्ट फॉर द शेड जैसा कि जॉइंट लंच है जॉइंट डिनर है वो सब जो कल ही सारे के सारे कल होने वाले हैं सो वहाँ पे तो वो होंगे बट ही इज फोकसिंग ऑन हेल्थ और जो फूड और फर्टिलाइजर की जो शॉर्टेज सप्लाईज है हेल्थ और इन चीज़ों पर वो तवज्जो कर रहे हैं सो इंडिया का जो एजेंडा है जो सेट होने वाला है G20 के लिए इट इज ऑल्सो फोकस्ड ऑन द इश्यूज दैट ही विल बी एड्रेसिंग इन दिस मीटिंग तो मुझे लगता है कि इंडिया इज गोइंग टू गो इंडिया जो G20 का एजेंडा सेट करेगा इट इज गोइंग टू बी वेरी नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल समझ रहे हैं बिल्कुल नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल एक बात जो फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने कहा कि इंडिया इज गोइंग टू सीक टू गिव वॉइस टू द ग्लोबल साउथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम्पल ये जो G20 है ये टॉप 20 इकोनॉमी दुनिया के टॉप 20 तो 20 मुल्क हैं लेकिन 75% ऑफ द ग्लोबल GDP है समझ गया तो इट इज अ वेरी यूजफुल क्लब छोटा ग्रुप होने के वजह से डिसीशन मेकिंग पॉलिसी मेकिंग आसान हो जाती है और बिकॉज दे हैव सो मच क्लाउड कि दूसरे कंट्रीज को कोई चॉइस नहीं है अगर ये 20 मुल्क मिलकर कोई रूल्स बना लेते हैं तो फिर गैम्बिया या टैंजनिया या श्रीलंका तो ये नहीं कहेगा कि भाई वी विल नॉट फॉलो दीज रूल्स हम नहीं थे वहां पर दे कांट से दैट सो इंडिया इज सेइंग कि ये मुल्क जो वहां पे नहीं है हम उनको वी विल गिव देम वॉइस समझे सो फॉर एग्जाम्पल मेरे ख्याल से G20 में सिर्फ